इसलिए अपने जीवन में जितना सत्य का आचरण लेंगे, जितना इस शरीर के अंदर बैठे हुए, चलो आपको एक छोटी सी बात, इसको अजमाने का तरीका, सत्य का आनंद लेने का तरीका। प्रत्येक मनुष्य को शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज की पीड़ा होती है, किसी न किसी चीज, प्रत्येक जीव पर। इसका छोटा सा उदाहरण आप खुद अनुमान दे, आप इस संसार में जब ऐसा महसूस करो, मान लिया एक उदाहरण देता हूं, घुटने में दर्द है, साधारण तरीके से रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए आपकी, ऐसी जगह पर लेट करके अपनी आंखें बंद करके आपके अंदर जो चेतन स्वरूप परमात्मा का स्वरूप है उसका ध्यान करके जो दर्द का स्थान है आप अपनी इन आंखों से आंखें बंद करके उस स्थान का ऐसे उसका सिटी स्कैन, उसका अल्ट्रासाउंड, उसकी एमआरआई, अर्थात उस जो दर्द की जगह है आंखें बंद करके अपने चेतन स्वरूप को ध्यान करके उस दर्द वाले स्थान को आप अपने नजरों से ऊपर नीचे राइट लेफ्ट हर एंगल से उसको फोकस करो, देखते देखते इस क्रिया को करते करते आपको गारंटी देता हूं 20 से 30 मिनट के अंदर आप खुद प्रैक्टिकल करके देखो, अपने घर आज ही देखो और कल बताना मेरे को, 20 से 30 मिनट तक इस सत्य का प्रभाव देखना हो अपने साथ, ये शरीर की बजाय ये चेतन स्वरूप सत्य है, आप प्रैक्टिकल करके देखो वो दर्द रह नहीं सकता उस समय, उसी समय बगैर दवाई का आपको आराम। ऐसे प्रभु को यदि श्वास के साथ जोड़ करके याद किया जाए तो उस आनंद के सागर के अंदर हम जोड़ डूबेंगे। जब भजन का प्रसंग आ जाए तो उसमें जरूर शामिल होना चाहिए, और शामिल होने का तरीका क्या है कि श्रीमन्नारायण
इस प्रकार भगवान जो है का जो प्रकट हो गया, और प्रकट होने के बाद भगवान शंकर उनका दर्शन करने के लिए आते हैं, और उसके बाद भगवान का नाम संस्कार होता है। इसमें एक बार कहानी आती है, माता को भी विराट दर्शन भगवान करवाते हैं, तो भगवान विराट दर्शन करवाते हैं, और उसके बाद इस प्रकार विराट दर्शन जब भगवान करवाते हैं, उसके बाद अहिल्या नारी जी का अहिल्या को उद्धार करते हैं, गौतम नारी श्राव उपल देह धरी चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या श्रापवश पत्थर की देह धारण किए हुए है, भगवान की रथगण की धूली से उसका उद्धार होना है। हे रघुवीर, और थोड़ा सा 15 मिनट ज्यादा लगे क्योंकि रह जाएगा नहीं तो, और आनंद की कथा का मतलब भी है। तो कौशल्या आपका अहिल्या प्रकरण का आनंद लेंगे, भगवान के चरण रज से किस किस का कैसे कल्याण हुआ, अहिल्या का कल्याण कैसे हुआ। पर सद पद पावन पूजन अति पवन
जानी गोरी अनुकूल
वाम अंग पर कण लगे मंजुल मंगल इस प्रकार जब जनकपुर में जाते हैं सीता जी के हृदय के अंदर हर्ष होता है और सीता जी मन ही मन भगवान को अपना पति मानती है मान लेती है और रात्रि को विश्वामित्र भोजन के बाद भगवान का गुणगान करते हैं और इस प्रकार भगवान और विश्वामित्र रात को भजन करते हुए सोते हैं। तब शतानंद तब जनक बुलाए कौशिक मुनि मही तुरंत पठाए जनक विनय तिम आय सुनाई हर से बोल लिए दो भाई। जनक जी सदानंद जी को बुला करके भगवान राम को विश्वामित्र मुनि के पास भेजते हैं और उनको कहते हैं जाकर जनक जी को विनती को सुनाना और विश्वामित्र जी अर्चित होकर को दोनों भाइयों को बुलाना। आखिर के अंदर सदानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु कहीं जाई चले हूं तात मुनि कहम तब पटवा जनक बुलाई। सदानंद जी के चरणों में वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा हे तात चलो जनक जी ने आपको बुलावा भेजा है। इस प्रकार आज दूसरा विश्राम, इससे आगे की कथा हम कल आपको आनंद से सुनाएंगे। आप ठीक तक समय पा जाएंगे तो कथा का विस्तार अच्छे ढंग से हो जाएगा।